एक्चुअली मम्मी आई हुई थी नीचे तो पहले मैं ऑफिस में गया और मैं जाके टेबल है वहां पे मैडम बैठी तो मैं ऐसे टेबल पे यस मैडम आई चंदन ये आखिरी ये वार्निंग है एक बार और वो बोर्ड पे लिख लिख के मेरे को बोल गया पीछे से हुँ. फिर वापस से क्वेश्चन लिखना चालू किया उसने वापस से आवाज की कुछ तो ऐसे मोड़ी चंदन प्रिंसिपल बैठा हुआ है फेल हो गए नाइन्थ में और वो बड़ी मतलब मेहरबानी करके हमको बोल रहा है कि चलो ठीक है आके आप थोड़े क्लासेज आप ज्वाइन कर लेना ये वो ऐसा वैसा मैं गया उसके पास तो उसने हाँ यस उसे हाथ मिला रहा हूँ <laughs> <laughs> प्रिंसिपल एक बार यही बता रहा था भाई में इसके कोई तो समाज कैसे कोई फंक्शन में गया हुआ ये अच्छा हाँ समाज के फंक्शन में गया था तो मेरे को मतलब स्कूल में तो पता नहीं चलता है ना ऐसे टीचर्स मिलते हैं तो एग्जैक्टली exactly उनका क्या क्या धर्म है क्या आप लोग इतना थोड़ी ध्यान रखते हैं आप लोग अपनी मस्ती में रहते हैं तो इसने बताया कि हमारी हिंदी टीचर हुआ करती थी अच्छा स्कूल में स्कूल में कविता मिस कविता मिस तो अभी क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ नाम रखते हैं ना तो हम लोग ने उनका नाम भैयानी रखा था <laughs> <नहीं>। <laughs> क्यों रखा था वो एक तो हिंदी टीचर थी और उनका जो लहजा था ना थोड़ा एकदम यूपी टच आता था अच्छा वहां पे उस टाइम पे तो सबने मिलके एक पता ना अब किसने रखा पता नहीं हाँ। अब एक ने रख दिया तो सब फॉलो तो कर रहे तो सब, सब ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं अच्छा अरे भैयानी विशाखी भयानी और इतना ऐसा ऐसा इतना हो गया था ना नॉर्मल <laughs> भैया <ने मिस। laughs> लड़की ने तो हिंदी टी, हिंदी के बुक क्या ली थे भैया नहीं मिस <laughs> क्लास बुक <laughs> <laughs> भैयानी <laughs> <laughs> तो, और... मतलब अपने टाइम पे मस्ती क्या होती थी एट द मोस्ट क्या होगा कुछ आवाज निकाल दी किसी की बुक उठा के किसी में हम लोग ये बहुत करते थे बुक फेंक दे देते दे। <laughs> बुक हम लोग बैग का बैग एक्सचेंज मार देते दे। थे इसकी बुक सब निकाल के उसके बैग में उसकी बुक वो <laughs> अरे मेरा नाम चेंज हो गया और अब इस टीचर बोर्ड पे लिख रही है तो पीछे से कुछ कुत्ते बिल्ली क्या आवाज निकाल दी तो सबका फेवरेट होता है ना फेवरेट टीचर फेवरेटर हाँ तो हाँ. मेरी फेवरेट टीचर किससे भैया फेवरेट थी अच्छा, मतलब अच्छा, <laughs> फेवरे उनकी क्लास में ज्यादा मजा, मजाक उड़ाना है मतलब मजाक करना उन उनकी मजाक कम उड़ाता था उनके साथ मजाक ज्यादा करता था अच्छा बहुत मस्ती करता था बहुत मतलब और सच बताऊं तो ऐसा वो बहुत ज्यादा ऑफेंड नहीं होती थी बट उनको समाज के फिर अभी रिसेंटली कुछ साल पहले समाज के कुछ फंक्शन में गया था तो इसने देख लिया कविता में इसको वहां पे अभी तो खैर थोड़ी एजेड हो गई है तो बड़ा एक्साइटेड होके वो डॉक्टर बोला के अरे मिस मैं कौशल मिस मैं कौशल तो ऐसे देख रही है बेचारी याद करने की कोशिश कर रही है उनको भी समझ में तो आई क्या होगा कोई स्टूडेंट ही होगा बोला हाँ। हाँ, तो फ्रांसिस में था याद है आपको याद है तो जोर डाल रही है अपने दिमाग पे वो याद नहीं।, नहीं आ रहा है तो बोना हाँ हाँ ऐसा मेरे को याद नहीं आ रहा है तो फिर इसने ऐसे ही बोला कि अरे मैं और हमारा मेरा एक दोस्त था चंदन चंदन वो शैतान लड़का

कोई कोई टीचर होते थे जिनके साथ बोलते ना यार इनके साथ ना कनेक्शन नहीं बैठ रहा है उनके साथ बैठ मतलब कनेक्शन बैठता था एक तो बहुत ज्यादा मारती पीटती नहीं थी वो आ, खाली थोड़ा बहुत चिल्लाती थी तो इसलिए तो, कनेक्शन बैठ गया <laughs> मार जो मारते तो उनके साथ कनेक्शन ऑब्वियसली जो मारेगा उसके साथ कनेक्शन तोड़ने बैठ फन फन पड़ रहा है ये कनेक्शन कट इधर यार ये कौन सी बात हुई जो मार रहा है

और बटेया गंदी सी आवाज निकालता था, था। <laughs> तो तो ये चंदन आवाज मत करो चंदन तो मैंने दो मिनट चुप होते थे फिर वापस से कंट्रोल किधर हो रहा है हां पंचायत करने दुनिया भर की तो मेरे को उठा के उसने क्या किया गर्ल्स के बीच में उठा दिया अच्छा हाँ गर्ल्स के, के बीच हाँ, में देखो वहां पर हाँ कि यार यहां पे यार दोस्तों मैं इतनी मस्ती मजाक कर रहा है हाँ। तो गर्ल्स के बीच में थोड़ा इसको शर्म आएगी और

अपनो यंग अभी अपने को पता है कि लड़कियां बहुत बातें करती हैं लेकिन उस टाइम पे थोड़ी पता होता था लड़के लोग अपनी पंचायत में लगे हुए इसको मार उसको ये कर इसका बैग छीन इसको इंक मार ये सब करते थे ना तो लड़कियों की जब मैं उसमें कबीले में जाके बैठा कबीले में जाके बैठा तब मुझे पता चला ये तो हमसे भी ज्यादा पंचायत करती है अच्छा वहां तो 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 भी चालू हो गया तो मैं भी बकर बकर चालू एक बार क्या हुआ मतलब ऐसे तो बहुत परेशान किया उसको तो एक बार ना कुछ तो क्लास टेस्ट चल रहा था क्लास टेस्ट तो एकदम सब चुपचाप ना वो लिख रहे हैं पेपर अपना अपना और मैंने शायद ज्यादा पढ़ा नहीं था एज यूजल

तो लड़कियां क्या सुमड़ी में खुमड़ी रहती थी वो लोग थोड़ा उनका थोड़ा सिंसियर होता है ना आ, पकड़ में नहीं आते, आते पंचायत फुल करती है वो लोग तो चल 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 रहा 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 है तो वो ना बोर्ड पे कुछ तो बार बार ना वो क्वेश्चंस लिख रही है तो वो क्वेश्चन का अपने को आंसर लिखना है अच्छा ऐसा कुछ तो चल रहा था क्लास टेस्ट में कि उसने कुछ तो क्वेश्चन लिखा उसका फटाफट ना आंसर लिखो वो आके सबका चेक करेगी वही वही कुछ तो कर रहा था तो मैंने आवाज किया कुछ तो सुन चंदन आवाज मत करो और एक्चुअली क्या हुआ फर्स्ट फर्स्ट टू आवाज मैंने नहीं की अच्छा। लेकिन उसको लग रहा था चंदन आवाज चंदन नहीं कर रहा फिर वापस से मैंने आवाज की अब मैंने बोला मेरा नाम क्यों ले रही है मैं तो आवाज भी नहीं कर रहा अब मैं करता अब मैं करता। नाम ले लिया, फिर लिया, <laughs> नाम जब लिया तो जब बुला लिया आया हो तो नाम लिया तो करके लिया तो फिर वापस से फिर मैंने आवाज की बोले चंदन आवाज मत करो क्वेश्चन लिख रही थी फिर वापस सबने लिखना चालू किया तो मैं तो कॉपी मार के सब अपना नहीं ऐसा कुछ <laughs> चंदन ये आखिरी ये वार्निंग है एक बार और बोर्ड पे लिख लिख के मेरे को बोल गया पीछे से थोड़ा हम लोग को तो शर्म नहीं हसर है और फिर वापस से क्वेश्चन लिखना चालू किया उसने वापस से आवाज क्यों तो ऐसे मुड़ी चंदा <laughs> और चंदा बेंच के नीचे उसके और मैं बैठ गया तू मुस्कुरा थोड़ा मतलब आके टोचिंग तो वाला लुक दिया ऑनजिंग वाला लुक <laughs> फिर क्या होता नाइन्थ में हम लोग फेल हो गए थे मैं और ये तू भी फेल हो गया था <laughs> बताना नहीं चाहता <जाना। laughs>

जो एक्चुअल स्कूल में जो टेंथ की क्लासेस होती थी तो हम लोग तो बाहर प्राइवेट भी पढ़ रहे थे तो मतलब बता रहा हूँ जो इम्पैक्ट है वो हमारी <laughs> हरकत होगा तो उस समय जो आवाज कर रहा था टेंथ में तो क्या बोलते चंदन आवाज मत करो <laughs> तो मिस चंदन तो फेल हो गए <laughs> तो, तो क्या हुआ फिर भी आवाज मत करो <laughs> तो ये इम्पैक्ट था तेरे ये नाम का वो नाम से तेरे को पहचाना क्या गया हाँ, तो जब ये इसको, इसको पहचान, तेरे नाम से इसको पहचान इतने हाँ। साल बाद जब ये मिला उससे तो इसने जब बताया क्या रहे मैं कौशल जैन ये, ये वो ऐसा वैसा तो थोड़ा वो इसको इसका नाम ऐसा दिमाग में था ना ये शायद सामने जाता तो इसको भी नहीं पहचान पाती लेकिन चंदन नाम बोलते शायद पहचान जाती हाँ तो बरकत ऐसी थी टीचर को नाम से और हरकतों से याद आ लोगों को फर्स्ट रैंक कौन आया सिर्फ दो स्कूल और पूरे दो महीने के अंदर, के अंदर। <laughs> <laughs> सोच कितना किया दो महीने के अंदर हम लोग एक ऐसे बोलते ना प्राइवेट स्कूल में गए ठीक है प्रिंसिपल बैठा हुआ फेल हो गए नाइन्थ में और वो बड़े मतलब मेहरबानी करके हमको बोल रहा है कि चलो ठीक है आके आप थोड़े क्लासेस आप ज्वाइन कर लेना ये वो ऐसा वैसा तो मैं गया उसके पास तो सुना हां यस तो मैं जाकर उसे हाथ मिला रहा हूँ <laughs> प्रिंसिपल तो तो <laughs> <is> <laughs> तो ने कहते बहुत बहुत मेडल लेके आया है उधर वेयर योर मार्क्स इट तो वैसे वो याद है सुजन मैडम सुजन मैडम की सैन फ्रांसिस्को सुजन मैडम तो उसने स्पीकर लगाया था अपनी क्लास में कौशल जैन फ्रॉम फिफ्थ सी कम एंड रिपोर्ट टू द ऑफिस इमीडिएटली मैं <laughs> क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया एक्चुअली मम्मी आई हुई थी नीचे तो पहले मैं ऑफिस में गया और मैं जाकर <laughs> टेबल है वहां पे मैडम आई तो मैं ऐसे टेबल पे यस मैडम ए ऊपर ऐसे आया टेबल पे व्हाई

हां <laughs> तो ये एक बार इसको एक्चुअली ना उसमें अनऑर्मेंट मत द हां आनौस्में, अनऑर्मेंट और हॉस्पिटल्स सुन के झापड़ गा देंगे अनाउंसमेंट <laughs> शा अरे कभी ऐसा कुछ काम किया नहीं कि प्रिंसिपल बुलाया अपने और बुलाया तो मम्मी की वजह से बुलाया बुला क्या हो गया ना अनाउंसमेंट होता है ना अनाउंसमेंट अच्छा होता है नहीं अरे स्पीकर लगे होते थे हां हमारे से ढीठ बच्चे तो क्या है मतलब <laughs> कोई नाम पुकारे ही नहीं हां ऐसे खड़े हो गए अपने वो है <laughs> वहां जाके मार खा के <laughs> आ रहे हैं वो पता नहीं <laughs> जाके रहे वो तो आ रहे हैं के बढ़ रहे वही तो क्लास में पहली बार तो नाम लिया है नहीं स्पीकर में आवाज थी ना

डब्बू बच्चे फंस जाते हाँ, पता है हाँ, उनका कुछ उन्होंने कुछ शैतानी नहीं, नहीं की लेकिन वो पढ़ने कम, में कम कम, हाँ, कम से पास है यही है कि पढ़ नहीं पा रहे तो हम तो <laughs> 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 गुंडों के बीच में फंस गए हो बच्चे तो ऐसे भी बैठे रहते मतलब क्या था नाइन्थ सी मतलब वो आखिरी पड़ाव है ना जाने का नाइन्थ मतलब आखिरी पड़ाव तो स्कूल क्या करता था

ना खतरनाक टाइप के लिटरली ऐसे लगता था गुंडों के थे तो <laughs> हाँ, तो आवाज निकाल दी क्लास में <laughs> टेक्स्ट बुक बदल दी उसका बैग उसमें घर पे ले गए तो वो हमारा तो वो चल रहा है वहाँ अलग चल रहा है तो वहां पे जो अनाउंसमेंट होता था ना वहां पे मतलब तेरा इनकाउंटर में अनाउंसमेंट हो रहा है ना, ना, हाँ। तो थे थे। तो ना, ना <laughs> इससे याद आया एक लड़का था हरीश हुँ। हुँ। हमारी क्लास। वो लड़के से चाहे कितना भी बड़ा गुंडा होती हो अच्छा और वो इतना सीधा उसको तू कितना मारेगा ना वो आखिरी बार उसका ही होगा

अनाउंसमेंट होते थे, थे ये वो विश्वराज अंदर आओ ये चंदन अंदर आओ विश्वराज तो फटके पड़ रहे बुलाया मतलब निश्चित फटके <laughs> जेलर ने बुलाया <laughs> जेलर ने बुलाया ना, ना निश्चित फटके तो उनको पता चल गया था कि भाई अनाउंसमेंट हो रही मतलब <laughs> सुन तो क्या वो पता है मेरे को तो पोकर का पड़ेगा <laughs> तो हुआ ना दो, एक दो बच्चे थे ना, तो मेरे को मेरा अनाउंसमेंट मैडम और और उसका भी हुआ, उसका भी कुछ और काम से था।, था कुछ तो उसको शायद ना फी के लिए बुलाया था फी उसने डिपॉजिट नहीं की थी अच्छा तो उसका बोलते ना बुला के बोलेंगे अपना भर दो फटाफट तो उसके लिए बुला रहे थे तो उसका अनाउंसमेंट आ गया वो ना मैडम का ऐसे लास्ट कैबिनेट <laughs> <laughs> मैं तो जा रहा हूं मेरा आगे चल रहा है ऐसे ऐसे करके चल रहा है उतनी पटी पड़ी, पड़ी भाई <laughs> उसको मौत दी मौत उसको बोला कि मैं उसको मुझे तू क्या कह रहे हा? तू कौन तू कौन सी सजा में आया तू कौन सी सजा काट आ रहा है बोला ऊपर से लेके नीचे तक उसकी ना ऐसे आत्मा बाहर चल रही है आत्मा तो मैं उसको पूछा क्या कह रहे तू तू तो सारा तू एकदम शरीफ लड़का लगता है

उसको, वो खौफ से प्रेशर वो आ गया उसको। प्रेशर आ आ गया गया उसको मैडम अभी तो वो रखे अंदर जाओ प्यून भागा बोले मैडम प्रैक्टिका एक को मटका मारा होगा इसको तुम रुका उसके आने के लिए नहीं उसको फिर वार्निंग देके छोड़ दिया कि अच्छा। तेरा फीस नहीं भरा है अच्छा तो बोला अच्छा फीस नहीं भरा <laughs> फीस के लिए मेरे को हकवा दिया तुम वो लोग अनाउंसमेंट कौन करता है इसके लिए ऐसी मेरे को भी अनाउंसमेंट एक बार बुलाया प्रिंसिपल ने मुझे याद नहीं क्या था तो शायद याद होगा और जब मैं प्रिंसिपल को ऑफिस गया ये पैर से खड़ा था ना क्या हुआ बोला कुछ कुछ याद नहीं क्या आ यही था। पहले से मैं खड़ा दियार जेल, दियार जेल। दियार जेल दियो। <laughs> उसको पूछता है तु, तु कौन से अंदर आएगा और अपने को लगता है ना यार तो शरीफ बच्चा है तेरी गाय की पेश की बुला रहे फटके देने के लिए क्लास <laughs> वो मैडम का ऑफिस छोड़ के अंदर भागा सीधा टट्टी <laughs> कर दे और मेरी मम्मी जो नीचे मिलने थे क्यों आई थी मैं टिफिन नहीं आया तो मुझे मेरे लिए कुछ टिफिन लेकर आई थी अच्छा उसके लिए पटके पड़ गए मेरे को यस मैम